होगा आपको, इसी से अपन रोज वीडियो बनाते हैं आपके लिए। बाढ़ के पानी ने ये हालत कर रखी है रास्ते की, अभी भी इतना पानी चल रहा है इस तरफ। हेलो दोस्तों, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। हाजिर हो चुका हूँ एक और नई वीडियो में। आज का व्लॉग भी मस्त होने वाला है रोज की तरह। तो दोस्तों वीडियो को आपको कंप्लीट देख, कल वीडियो मैंने बनाया था एक बाढ़ का, जो मैंने आपको दिखाया था मेरे गाँव में इतनी बाढ़ आ चुकी है कि सारे के सारे खेत खलियान सब नष्ट कर चुकी है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं जाकर के, वरना हसनापुर वीडियो सीरीज चली रही है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हसनापुर में जहाँ पर गवर्नमेंट का जो कौरवर पांडव से रिलेटेड टीला है वहाँ पर काम चल रहा है, अंदर से महल वगैरह निकल रहे हैं, उसका वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ आपके लिए। क्योंकि मैंने वहाँ पर पूछताछ की भी की थी, परमिशन शायद मिल सकती है ऐसा मुझे अनुमान है, तो वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो आज की तरह बीच रास्ते से ही अपना सफ़र शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। तो देखिए यहाँ से हम चलने वाले हैं सीधा हसनापुर की तरफ। ये रास्ता सीधा जाता है हसनापुर की तरफ। अपनी बाइक वाइक बिल्कुल टिच है हवा पानी से, तो गर्मी की वजह से मैंने ये रुमाल बांध लिया चेहरे पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हो सकता है मौसम बिगड़ जाए फिर से। आप कुछ भी कहिए लेकिन सफ़र का एक अपना ही मज़ा है। बाढ़ के पानी ने ये हालत कर रखी है रास्ते की, अभी भी इतना पानी चल रहा है इस तरफ को, कल तो इससे भी ज़्यादा था। और रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे देखिए नज़र आ रहा होगा, और आगे तो और भी ज़्यादा दुर्गति हो रखी है सर रास्ते की। तो चलो चलता हूँ आगे भी दिखाता हूँ। लीजिए एक और जगह बाढ़ ने स्वागत कर दिया है, और हालात आप खुद ही देख सकते हैं। अपनी आंखों से आगे जाके दिखाऊं तो मैं पानी कितनी रफ्तार से चल रहा है इस तरफ। ये देखो गड्ढे, इस तरह के गड्ढे आपको आगे भी मिलेंगे रास्ते पर। आगे तो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वहां पर लगभग घुटने तक गहरे गड्ढे हो रखे हैं रास्ते में, और सिर्फ ये सब पानी का ही नतीजा है। ये देखो आने जाने वालों ने इस रास्ते को तो बंद कर दिया है। इधर से एक और रास्ता जाता है, सीधा जाता है बिजनौर की तरफ को, तो उसी रास्ते से आना जाना हो रखा। उधर भी पानी बहुत मिलेगा लेकिन यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, उधर मुश्किल से निकल रहे हैं, इधर तो निकला भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप ये हाल हो रखा है हसनापुर के हमारे, और ऐसा एक बार नहीं महीने में लगभग 5 से 7 बार हो चुका है, पानी आ जाता है चला जाता है। अब ये लगातार पता नहीं कितने महीने तक रहने वाला है, क्योंकि अभी तो बरसात का वक्त चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक ही बरसात होती रहती है। जैसे ही पहाड़ों पर बरसात होती है तो ये यहाँ पर जलमग्न हो जाता है सारा जंगल। तो अभी मैं मार्केट जा रहा था, सोचा एक व्लॉग बनाया जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हालात कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरी YouTube फैमिली हो। तो भाई सपोर्ट रखना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। अभी दूर नहीं जाते अपनी बाइक से क्योंकि बैग रखा हुआ है, और यहाँ पर बंदर ही बंदर हैं पेड़ों पर, बैग उठा कर ले जाएंगे। तो चलो अब चलते हैं सीधा अपनी मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट वगैरह मैं होके आ चुका हूँ, और सामान जो भी था अपना मैंने ले लिया है। अभी व्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे आज का, और फिर कल एक नए व्लॉग में हाजिर होता हूँ। और कल मैं कोशिश करूँगा आपको वो पांडव और कौरव के जो टीले पे खुदाई चल रही है तो वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर क्या क्या निकले हुए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलो आज मैं आपको अपना कैमरा दिखा देता हूँ। ये रहा कैमरा, नज़र आ रहा होगा आपको, इसी से अपन रोज़ वीडियो बनाते हैं आपके लिए।